हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपको पता है हम बेटा एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट बेटा बुक निकालना, नोटबुक लेना, जो भी पेन पेंसिल आपको चाहिए वो लेकर के बैठ जाइएगा। आपको पता है हम चैप्टर नंबर फोर्थ पढ़ रहे हैं, प्लांट आवर ग्रीन फ्रेंड्स, वही था ना। देखिएगा, फोर नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट्स आवर ग्रीन, FRIENDS यानी फ्रेंड्स, पेड़ पौधे हमारे हरे दोस्त, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। बेटा पेज नंबर निकालना 26, 27। पेज नंबर निकालना 26। 26 पेज नंबर पर फूड लिखा हुआ है, यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। क्या है यूजफुल? PRODUCTS, प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स। फ्रॉम प्लांट्स, पेड़ पौधों से जो हमारे को उपयोगी सामग्री मिलती है, उपयोगी जो पदार्थ मिलते हैं वो हमारे को पढ़ने हैं। तो बेटा बोलने में आज को पता है आपको थोड़ी मेरी आवाज अलग आ रही होगी, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स है, मुंह में बहुत ज्यादा अल्सर हो गए हैं, इस कारण से प्रॉब्लम्स आ रही है स्पीकिंग के अंदर। इस कारण से मैं थोड़ा कम ही बोलूंगा आज क्लास में। इतना जिस प्रकार से हमेशा हमारी क्लास होती है एकदम जोश के साथ में, उसमें थोड़ी आपको कमी दिखाई दे सकती है, क्योंकि बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है, बहुत सारे अल्सर हो रखे हैं मुंह के अंदर। फिर भी आपकी क्लास लेकर के आया हूं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, बुक निकालना है, मैंने कहा है पेज नंबर 26, 27, और 26 पेज नंबर पर लिखा हुआ देखो, यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट यानी पौधों से, यूजफुल यानी उपयोगी, और प्रोडक्ट का मीन्स होता है उत्पाद या सामग्री। तो यानी पौधों से उपयोगी जो उत्पाद होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो नीचे लिखा हुआ है, वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, हम पौधों से कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं। हम पौधों से बहुत सारे उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं। नंबर वन, फूड। आपको पता है हमारे को पौधों से बहुत सारी चीजें मिलती है, वो चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे फ्रूट के रूप में हो, चाहे सीड के रूप में हो, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो भी बेटा पौधों से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले लिखा हुआ फूड, एक उपयोगी उत्पाद कौन सा है? भोजन। प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे जानवरों और मानव जीवन के लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे जो होते हैं वो मानव और जानवरों के लिए, पौधे मानव जीवन और जानवरों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। पौधों के बिना न तो जानवरों को बेटा भोजन मिलेगा और न ही ह्यूमन बींग्स को भोजन मिलेगा। तो बहुत जरूरी होता है क्या, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो मैंने क्या कहा, प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे मानव जीवन और जानवरों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। नंबर वन, फ्रूट्स लिखा हुआ है, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि हम पेड़ और पौधों से फल प्राप्त करते हैं। हम जो फ्रूट प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, वो पेड़ और पौधों से प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स आर टेस्टी एंड जूसी। फ्रूट कैसे होते हैं? टेस्टी यानी स्वादिष्ट होते हैं, और जूसी का मीन्स होता है रसीले होते हैं, बहुत रस होता है। आम खाया होगा कभी आपने, उसमें कितना रस होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और ये जो भोजन फल होते हैं वो विटामिन और मिनरल्स का भी एक भरपूर स्रोत होते हैं। फल विटामिन और मिनरल्स के भी भरपूर स्रोत होते हैं। आप जब बड़ी क्लासों में आओगे तब पढ़ोगे आप, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं।
कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, अगर उसमें उसकी अगर आपकी शरीर में कमी हो जाती है उन विटामिन की, तो बेटा कुछ डिजीज हो जाती है, कुछ बीमारी हो जाती है। इस कारण से ही शरीर में विटामिन आवश्यक होते हैं। अगर वो विटामिन नहीं होते हैं तो शरीर डिजीज से ग्रसित हो जाएगा। अब वो विटामिन होते किस में बेटा? फलों में ही होते हैं विटामिन। दे कीप अस अवे फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी, यानी वे बीमारियों से हमें दूर रखते हैं, वे हमें बीमारियों से दूर रखते हैं और कीप अस हेल्दी और स्वस्थ रखते हैं हमारे को। कौन स्वस्थ रखते हैं? विटामिन और मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल्स कहाँ से लाओगे? ये बेटा फलों में ही होता है। तो जब आप फल खाओगे तब आपके शरीर में विटामिन आएगा, और जब ये विटामिन आएगा तो आपके शरीर को एक तो बीमारी नहीं होगी, रोग से ग्रसित नहीं होगा, बीमारी से हमारे को दूर करते हैं ये और स्वस्थ रखते हैं हमारे को। फिर देखिएगा वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज ए वेजिटेबल, यानी हम सब्जी के रूप में पौधों के अलग अलग भाग खाते हैं। हम सब्जी के रूप में पौधों के अलग अलग भाग खाते हैं, जैसे कि जड़ हो गया, स्टेम तना हो गया, लीफ पत्ती हो गया, फ्लावर फूल हो गया, ये सारे क्या है? पौधे के अलग अलग भाग है बेटा, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। रूट के रूप में कैसे खाते बेटा? गाजर खाते हैं ना, कैरेट। अब कैरेट खाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कैरेट लगी हुई, या जो मूली होती है रेडिश बेटा, कैरिस और रेडिश होते हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं, और जमीन के अंदर रहते हैं तो वो जड़ जैसे रहते हैं। इस कारण से उसको क्या कहा जाता है? पौधे का रूट कहा जाता है। उसी प्रकार स्टेम, जैसे आपका ऑनियन हो गया, आलू हो गया, लीफ में बात करूं तो मिंट पुदीना हो गया, ये जो आपका बैगेज हो गया, बंद गोभी जो होता है ना कैबेज, बंद गोभी होती है, वो सारी बेटा लीफ ही है पौधे की। उसके अलावा फ्लावर जो कॉलीफ्लावर होता है, जिसको हम फूल गोभी बोलते हैं, वो पौधे का फूल होता है जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं। तो मैंने सारी बता दी, रूट में जैसे कैरेट रेडिश हो गया, इस लीफ स्टेम में आपका ऑनियन हो गया, पोटेटो हो गया, फ्लावर में आपका कॉलीफ्लावर हो गया या ब्रोकोली हो गया, और लीफ में बात करूं तो आपका स्पाइनस हो गया, पालक हो गया, या आपका कैबेज हो गया। ये सारे क्या है? पौधे के अलग अलग भाग है जो कि हम भोजन के रूप में खाते हैं। वेजिटेबल आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी सब्जियां भी विटामिन और मिनरल्स का भरपूर स्रोत होता है। सब्जियों में भी बेटा बहुत सारे विटामिन होते हैं। जो सब्जी हम खाते हैं, सब्जियां हम खाते हैं भोजन के साथ में, उसमें भी बेटा क्या, बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, शरीर को बीमारी से रक्षा करते हैं। याद रखो देखो, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है बेटा? कि हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, ऐसे कहता है, नहीं कहता है? तो बेटा उसके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इस कारण से वो आपको ऐसा कहता है कि आप ये चीजें खाइए, आप ये चीजें खाइए। कहता ना कि आप ज्यादा फ्रूट खाया करो, आप आम का जूस पिया करो, या आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती है, हरी सब्जियां आती है बेटा, उसका सेवन किया करो। ऐसा डॉक्टर इसीलिए तो कहता है क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं बहुत सारे, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जो शरीर को बीमारी से दूर रखते हैं। फिर देखो आगे, सीरल्स एंड पल्सेज। सीरल्स का मीन्स होता है अनाज, एंड पल्सेज का मीन्स होता है दालें। पल्सेज का मीन्स तो दालें, हम दालें खाते ना, चना दाल हो गया, यहाँ देखो रजमा दाल है, मूंग की दाल है, मसूर दाल, बहुत सारी दालें होती हैं। और सीरल्स में अनाज में देखो राइस है, उसके अलावा वीट है। तो सीरल्स आर ड्राई सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, ये सीरल्स क्या होते हैं? कुछ पौधों के सूखे हुए बीज होते हैं। सीरल्स क्या होते हैं? कुछ पौधों के सूखे हुए बीज होते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, राइस चावल हो गया, बाजरा हो गया, मिर्च मक्का हो गया। ये गेहूं बाजरा चावल मक्का क्या होता है? ये बेटा सीरल्स है, सूखे हुए बीज है पौधों के। आपको भी पता है चावल सूखे हुए बीज पौधों के। दे आर इन रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट वो पदार्थ होते हैं जिसे हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है, हमारे को शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किसमें होता बहुत ज्यादा? तो अभी मैंने कहा वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, एंड मेज हो गया। फिर बात उनका पल्सेज की,
तो पल्सेज आर ऑल्सो ड्राई सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी जो दालें होती है वो दालें भी कुछ पौधों के सूखे हुए बीज ही होते हैं, जैसे अरहर का हो गया, मूंग हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया एंड ग्राम्स हो गया। ये सारी बेटा दालें के प्रकार है। आप सबको पता है अरहर की दाल, मूंग की दाल, राजमा की दाल, चने की दाल, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और दालों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। दालों में क्या होती है तो प्रोटीन होती है। अभी मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा किसमें होता है, ड्राई सीड जो होते हैं ना सीरियल्स, सीरियल्स के अंदर ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, और पल्सेज में क्या होता है प्रोटीन ज्यादा होती है। फिर आगे ऑयल लिखा हुआ है, तो इससे पहले बेटा आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करना है, और होमवर्क में जो भी मैं आप पहले ऑयल पढ़ लेते हैं। ऑयल यानी तेल, वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधों के बीजों को पीस करके तेल निकाला जाता है। क्रशिंग का मीन्स पीसना होता है, कुछ पौधों के बीज होते हैं जिसको पीसा जाता है फिर उसे तेल निकलता है। जैसे देखो एलमंड यानी आंवला, कोकोनट यानी नारियल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली और मस्टर्ड यानी सरसों, इन सबको बीजों को पीसा जाता है, बीजों के पीसने से तेल निकलता है। ऑयल आर सोर्स ऑफ फीड एंड एनर्जी गिविंग सोर्सेज, यानी ऑयल से क्या होता है उससे वसा का भरपूर स्रोत होता है बेटा, फेट ज्यादा होती है ऑयल्स में, और एनर्जी गिविंग सोर्सेज है। दे आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड मसाज, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, एक तो कुकिंग यानी कि खाना बनाने के लिए, और एक होता है मसाज यानी मालिश करने के लिए। मसाज करना क्या, मालिश करने के लिए, और उसके अलावा कुकिंग के लिए। बेटा बाकी का कल पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे जो आगे रबर वाला है। आपको होमवर्क में क्या करना, पेज नंबर 29 पर जो कीवर्ड्स दे रखे हैं वो बेटा होमवर्क में करना है। क्या करना होमवर्क में, कीवर्ड्स करना। मैंने आपको कहा है कुछ बेटा थोड़ी प्रॉब्लम्स है इस कारण से थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है, इस कारण से आपको होमवर्क भी मैंने ऐसा दिया है कि आप बेटा कर लेना। जो क्वेश्चन आंसर है वो पेज नंबर 28 पर बेटा कल की क्लास में करेंगे। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेटा जो भी मैंने काम बताया वो काम अवश्य कर ले करा। वापस कल लौटता हूँ आपकी अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।